आज का हमारा टॉपिक जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड एपिस्टेसिस है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में इसकी एग्जांपल के साथ, और एपिस्टेसिस को सिर्फ डेफिनेशन देख लेंगे एक्चुअली होता क्या है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पहले दे दूँ। टॉपिक आसान है तो मुश्किल नहीं है, बट अगर सही तरह ना समझें तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए इसमें होता है ऐसा कुछ है कि हम अगर स्किन कलर की आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम अपना स्किन कलर तो होता है ह्यूमन्स का स्किन कलर, तो स्किन कलर ऐसा तो नहीं होता कि या तो बिल्कुल बहुत ही वाइट कलर हो या बहुत ही डार्क कलर हो, तो इंटरमीडिएट शेड्स भी होते हैं। किसी का बहुत वाइट होगा, किसी का थोड़ा सा वाइट कम होगा, तो किसी का और कम होगा, किसी का और कम, किसी का थोड़ा सा डार्क में आएगा, फिर और डार्क ऐसे करते बहुत सारे शेड्स होंगे। फिर दो एक्सट्रीम क्या होंगे, एक बिल्कुल वाइट, एक बिल्कुल डार्क, और उसके बीच में बहुत सारे शेड्स मौजूद होते हैं। तो अगर तो स्किन कलर को कंट्रोल करती दो जीन्स, ठीक है, दो जीन्स होती हैं, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत सारे एग्जांपल्स में। जैसे हमने पढ़ा कि फ्लावर कलर क्या होता है, फ्लावर कलर को अगर कोई एक जीन कर रही है, येलो करने वाली जीन है, दूसरी उसकी ग्रीन करने वाली जीन है, ठीक है, तो इसकी दो ही जीन्स हैं, या तो उसका येलो कलर हो जाएगा या ग्रीन कलर हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमारी स्किन को कंट्रोल करने वाली सिर्फ दो जीन्स होती हैं तो हमारे स्किन का कलर या तो बहुत डार्क होता या तो बहुत जो है वो वाइट होता, तो दोनों में से एक होता, कोई इंटरमीडिएट शेड एग्जिस्ट ही ना करते। तो नेचर ने कुछ ऐसा हमारे अंदर रखा है कि स्किन कलर की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी एग्जांपल्स होती हैं, स्किन कलर से समझ लें और दूसरी एग्जांपल्स भी देख लेंगे। तो नेचर ने कुछ ऐसा रखा है कि स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी जीन्स हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी जीन्स मौजूद होंगी ऐसे, और वो जीन बहुत सारी, जाहिर है जब जीन्स बहुत सारी हैं तो वो एक लोकस पर मौजूद नहीं हो सकती, मतलब क्या एक क्रोमोसोम पर नहीं होंगी। मतलब जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं क्रोमोसोम बना देता हूँ, ये फादर का हिस्सा है, ये मदर का हिस्सा है, क्रोमोसोम नंबर चले 10 ले लेते हैं, ठीक है, इस पर हमारे पास कोई हो सकता है जीन हो स्किन कलर की, ऐसे ही कोई और क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम नंबर 15 ले लें, इस पे जीन हो क्या हो स्किन कलर की। तो हमें क्या पता चला कि जो एक करैक्टर है स्किन कलर, इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन मौजूद है। ऐसा नहीं है जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं पिछले सारे टॉपिक्स में, सिर्फ एक क्रोमोसोम पर, फादर और मदर के क्रोमोसोम पर, एलील्स पर उसकी एक करैक्टर की इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ करैक्टर ऐसे भी हैं जिसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में अभी पढ़ेंगे कि उस एक करैक्टर की, जैसे स्किन कलर एक करैक्टर है, उसकी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग क्रोमोसोम्स में इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। तो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा हम क्या पढ़ने लगे हैं। अच्छा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, देखिए दो तरह की हमारे पास करैक्टर्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव करैक्टर्स से क्वांटिटेटिव करैक्टर्स। जो कि क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है, ये तो हम पहले पढ़ते आए हैं, ट्रेड्स आर कंट्रोल बाय वन जीन, ठीक है, एक जीन से कंट्रोल होता है। जैसे मैंने आपको फ्लावर की अभी एग्जाम्पल दी, जो कि सेम लोकस पे प्रेजेंट होता है अलील्स पे, ठीक है, जैसे टॉल डॉर्फ हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, आरएच फैक्टर। ब्लड ग्रुप का क्या है, ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा कि मल्टीपल अलील्स है, मतलब क्या ए कराने वाला अलग होगा, बी कराने वाला अलग होगा, ओ कराने वाला अलग होगा, मगर एट वन टाइम एक बंदे में दो ही अलील मौजूद होंगे, या बी या ओ वाले होंगी, या ए बी और ए वाली होंगी, या दोनों ए वाली होंगी, या दोनों बी वाली होंगी, या दोनों ओ वाली होंगी, मगर दो ही एलील्स मौजूद होंगे, ऐसे नहीं दो से ज्यादा हैं, ठीक है। ये तो होते हो जाते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है, इनको क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। ये मेंशन ऑल्दो दीज जीन्स हैव मल्टीपल एलील्स, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, मगर फिनोटाइप किस पर डिपेंड करेगा, प्रेजेंस ऑफ ओनली पर्टिकुलर एलील, मतलब दो ही एलील्स मौजूद होंगे। ऑन दी अदर हैंड कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं, जैसे स्किन कलर है, वो कि मेनी जीन्स, मतलब बहुत सारी जीन्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, डिफरेंट लोकाई का वही मतलब है अलग अलग क्रोमोसोम्स अलग अलग लोकेशन पर। अच्छा, अब ये जो जीन्स हैं, जैसे अलग अलग, जैसे मैंने बताया क्रोमोसोम नंबर 10 पे प्रेजेंट थी, नंबर 15 पे प्रेजेंट थी, ये एडिटिव मैनर में काम करती हैं, मतलब मिलके काम करती हैं, और इनको हम क्या कह रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस होती है। यही मेंशन है, सिंगल ट्रेड इज कंट्रोल बाय टू और मोर देन टू सेपरेट पेयर्स ऑफ जीन्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जीन्स होती हैं जो कंट्रोल इसको करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, जो कि यहाँ मेंशन है, ये देखें ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। या दूसरा नाम इसका क्या है, कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड। कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड क्यों कहते हैं, देखें स्किन कलर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, एक तो बिल्कुल डार्क होगा, एक बिल्कुल वाइट होगा, बीच में बहुत सारे शेड्स होंगे, कम वाइट है और कम वाइट है और कम वाइट है, थोड़ा सा डार्क है और डार्क है और डार्क है, फिर बिल्कुल डार्क है, तो कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, मतलब ये एक्सट्रीम नहीं है, वेरी करती जा रही है, तो इसलिए इन ट्रेड्स को कहते हैं कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स, ठीक है। अब आगे क्या मेंशन है, ऑन कंट्री देयर इज अनदर फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस वेयर एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज कंट्रोल्ड बाय अनदर जीन लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोकस, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देता हूँ, ये एक्चुअली एपिस्टेसिस है, ठीक है, एपिस्टेसिस। अभी हम एक टॉपिक पे स्टिक रहते हैं ताकि हमें वो टॉपिक अच्छा समझ आए, एपिस्टेसिस नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अच्छा, पॉलीजेनिक ट्रेड इन प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है, पॉलीजेनिक ट्रेड्स प्लांट्स एनिमल में इसकी एग्जाम्पल क्या है। तो जैसे मैं समझा चुका हूँ कि एक ट्रेड है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स हैं अलग अलग क्रोमोसोम से मौजूद हैं और वो मिलकर काम करेंगे, एडिटिव फैशन में काम करेंगे, ये वाली चीज़ हम देख चुके हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स में। अब क्या होता है, जीन पेयर्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकाई, वही जैसे हमने देखा
ऑल वर्क फॉर सेम ट्रेड एंड एक्सप्रेस इन एडिटिव मैनर टू शो क्वांटिटेटिव इफेक्ट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीजीन्स। जैसे क्रोमोसोम नंबर 10 पे जो जीन्स थी, क्रोमोसोम 15 पे जो जीन्स थी, इनको मिला के हम क्या कहेंगे, दोनों स्किन कलर को कंट्रोल कर रही हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, तो वो क्या मिला के क्या कह रहे थे इसको, इनको कह रहे थे पॉलीजीन्स कहेंगे इनको मिला के। ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्रोमोसोम 10 पे 15 पे स्किन कलर की इन्फॉर्मेशन हो, बट मैंने आपको समझाने के लिए बात बताई है। ठीक है, अच्छा, पॉलीजीन्स सपोर्ट ईच अदर टू प्रोड्यूस पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पॉलीजी ऐसे कुछ जीन्स होंगे, जैसे क्रोमोसोम नंबर 10 पे मिसाल के तौर पर ऐसी जीन्स हैं जो कि डार्क कराने वाली हैं, स्किन कलर डार्क, और 15 पे ऐसी हैं वो स्किन कलर वाइट कराने वाली हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर ये 10 वाली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाएगी तो स्किन कलर डार्क हो जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है जो वाइट वाली फिर इतनी ज़्यादा एक्सप्रेस ना हो। अगर वाइट वाली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाएगी तो स्किन कलर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट करी होती है, मिलकर काम करी होती हैं। अब इसके दो एग्जाम्पल हैं, वीट ग्रेन कलर भी एग्जाम्पल है और स्किन कलर एनिमल्स है। वीट ग्रेन कलर हम पहले देखते हैं, फिर हम स्किन कलर भी देख लेंगे। देखिए, इसमें होता है ऐसा कुछ है वीट ग्रेन कलर में कि वीट ग्रेन कलर जो है वो भी ऐसे ही, जैसे स्किन कलर की बहुत वैरायटी है कि डार्क से वाइट के बीच में बहुत सारे शेड्स आते हैं, ऐसे ही इसके वाइट और डार्क रेड के बीच में बहुत सारे शेड्स हैं। लाइट रेड होगा, पिंक होगा, लाइट पिंक होगा, डार्क रेड होगा, बहुत सारे शेड्स आते हैं, सारे मेंशन है, हम देखते हैं वन बाय वन। इसमें अब होता क्या, एक्चुअली 7 डिफरेंट फिनोटाइप प्रेजेंट होते हैं इन द पॉपुलेशन। ठीक है, फ्रॉम डार्क रेड टू वाइट, डार्क रेड एक एक्सट्रीम है, डार्क रेड जैसे कि हम देख रहे थे डार्क कलर, और दूसरी एक्सट्रीम है वाइट जैसे हम देख रहे थे वाइट कलर। तो इसके बीच में बहुत सारे शेड्स हैं, ऐसे ही इसके बीच में जो है वो 5 और शेड्स मौजूद हैं और 2 ही एक्सट्रीम है, तो मिला के 7 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब इस साइंटिस्ट थे निल्सन अहले, इन्होंने क्या किया, स्टडी की बीट कलर की जेनेटिक्स। इन्होंने क्या किया कि ट्रू ब्रीडिंग रेड कलर लिया, मतलब अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स मौजूद होती हैं एक ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, तो इसके पास 3 जीन्स हैं या आप कह लें 6 एलील्स हैं। ठीक है, एक जीन जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ एक जीन होगी, यहाँ एक जीन होगी, ये दूसरे के अलील होंगे। तो आप अगर इनको मिला के कह लें ये ओवरऑल क्या है, ये एक जीन है, तो ऐसे 3 जीन्स होंगी। अगर आप कहें कि 2 अलील्स हैं तो 6 अलील्स होंगी। ठीक है, अगर इसको हम नाम दे रहे हैं ए का, ठीक है, इन दोनों को अगर हम नाम दे दें दोनों को ए का, तो ऐसे ही एक और कोई क्रोमोसोम होगा उस पर वीट कलर की इन्फॉर्मेशन होगी, उसका नाम नाम दे दें बी का। ऐसे एक और क्रोमोसोम होगा उस पर भी वीट कलर की इन्फॉर्मेशन होगी, उसको नाम दे देंगे सी का। तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये क्या है, डोमिनेंट अलील्स हैं। अगर इसी की रिसेसिव अलील्स यहीं पर मौजूद हों तो जाहिर है स्मॉल ए हो जाएगा और स्मॉल बी हो जाएगा, स्मॉल सी हो जाएगा। ये चीज़ें तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो डोमिनेंट होगा वो स्मॉल कैपिटल ए से शो होगा और जो रिसेसिव होगा वो स्मॉल लेटर से होगा। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ कि जो भी कैपिटल लेटर है, चाहे कैपिटल ए हो, चाहे कैपिटल बी हो, चाहे कैपिटल सी हो, ये प्रमोट करेगा डार्क रेड कलर को। ठीक है, अच्छा, अगर वो कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये प्रमोट करेगा वाइट कलर को, या आप कह लें कोई भी इसका कलर नहीं देगा, वाइट कलर भी आप कह सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि टोटल 6 अलील्स होना ज़रूरी हैं, तो कैपिटल ए अगर एक क्रोमोसोम था उससे कैपिटल आ गया उस पर मौजूद है, ऐसे ही कैपिटल बी एक और क्रोमोसोम है उसके ऊपर से हमने कैपिटल बी देखा कि वो मौजूद है, ऐसे ही एक और क्रोमोसोम है उस पर कैपिटल सी था, ये एक और क्रोमोसोम, तो सारे कैपिटल लेटर्स हैं। तो हमने देखा कैपिटल लेटर्स क्या प्रमोट करें, डार्क रेड को, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत डार्क रेड हो जाएगा। सिमिलरली मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ। अच्छा, क्या हो सकता है कि अगर मिसाल के तौर पर ये कैपिटल ए की जगह मैं स्मॉल ए लिख दूं, फिर कैपिटल बी वैसे ही आ गया और कैपिटल सी इसका आ गया, उसका जो एक क्रोमोसोम था उस पर रिसेसिव एलील्स मौजूद थी और बाकी कैपिटल बी स्मॉल सी और कैपिटल सी मौजूद है। तो हम देखें 6 एलील्स में से 2 क्या हो गई, स्मॉल। जब 2 स्मॉल हो गई तो डार्क रेड से शेड थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, जब 2 स्मॉल हो गई तो वो क्या हो जाएगा, रेड सिर्फ रेड हो जाएगा, जैसे यहाँ मेंशन है, तो डार्क रेड को छोड़ के मॉडरेट डार्क रेड को छोड़ के रेड हो जाएगा। ऐसे ही अगर 2 हम और कम कर दें, 2 कैपिटल ए ले लें और 2 स्मॉल ए, फिर 2 स्मॉल बी, कैपिटल सी, ये इसका जीनोटाइप है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है लाइट पिंक हो जाए और जो कलर जो है वो फेड हो जाएगा। मतलब क्या कि कलर वाइट की तरफ जा रहा है, जैसे ही स्मॉल अलील्स आती जा रही हैं कलर वाइट की तरफ मूव करता जा रहा है, और जैसे ही सारे स्मॉल लेटर्स हो गए तो बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो यही इसका
पूरा टॉपिक है, हम देख लेते हैं इन्होंने क्या स्टडी किया। इन्होंने ये स्टडी किया कि ट्रू ब्रीडिंग डार्क रेड लिए, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये है कि सबके पास सेम अलील्स मौजूद हों, तो ट्रू ब्रीडिंग वाइट डार्क रेड का मतलब ये है कि सारे कैपिटल लेटर्स होंगे, तो सारे कैपिटल का मतलब सारे कैपिटल ए, सारे कैपिटल बी, सारे कैपिटल सी। एक ऐसा इन्होंने प्लांट लिया, एक ऐसा वीट ग्रेन लिया जिसके पास जिसका जीनोटाइप ये था। उसके बाद उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग वाइट ग्रेन भी लिया, मतलब सारे उसके पास स्मॉल लेटर, दोनों स्मॉल ए, दोनों स्मॉल बी और दोनों स्मॉल सी। इसको क्या किया इसने, आपस में फर्टिलाइज़ कराया। जब आपस में फर्टिलाइज़ कराया तो एफ वन जनरेशन में लाइट रेड ग्रेन्स आए। लाइट रेड, लाइट रेड का मतलब क्या कि यहाँ से एक कैपिटल ए आएगा, यहाँ से स्मॉल ए, यहाँ से कैपिटल बी, यहाँ से स्मॉल बी, यहाँ से कैपिटल सी, यहाँ से स्मॉल सी। तो कैसा बन जाएगा एफ वन जनरेशन में, एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए, एक कैपिटल बी, एक स्मॉल बी, एक कैपिटल सी, एक स्मॉल सी। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, वो लाइट रेड में शेड कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मिक्सचर आ गया, वाइट कराने वाले कुछ जीन्स आ गए, कुछ रेड कराने वाले जीन्स आ गए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। डार्क रेड से मूव करके वाइट की तरफ थोड़ा चला गया और वाइट से थोड़ा डार्क रेड की तरफ चला गया, तो ये बीच में कलर आ गया रेड, जो कि इस चार्ट में दिखाया हुआ है। ठीक है, एफ वन जनरेशन में ही आया, यहाँ इन्होंने मेंशन किया होगा एफ वन जनरेशन में लाइट रेड ग्रेन आए जो इंटरमीडिएट बिटवीन टू पेरेंटल शेड्स हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद क्या किया इसने, एफ वन जनरेशन को हम क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं। तो एफ वन जनरेशन को क्या किया इसने, क्रॉस किया आपस में, जो एफ टू जनरेशन आए उसमें सेवन शेड्स ऑफ कलर आए इन दी रेशो, ये रेशो मेंशन है, सेवन शेड्स ऑफ कलर। जैसे ये देखें, एक डार्क रेड आएगा, एक मॉडरेटली डार्क रेड आएगा, एक रेड आएगा, एक लाइक रेड आएगा और पिंक आएगा, लाइट पिंक आएगा, वाइट आएगा, सबके नंबर्स यहाँ मौजूद हैं। तो ये क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि जैसे जैसे जीन्स आपस में मिले, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर जैसे मैंने समझाया कि जितने स्मॉल लेटर्स आते जाएंगे और जितने कैपिटल लेटर्स आते जाएंगे उस हिसाब से शेड होता जाएगा। कैपिटल लेटर चाह रहे हैं हम डार्क रेड की तरफ लेके जाएं, स्मॉल लेटर चाह रहे हैं हम वाइट की तरफ लेते जाएं, तो जो ज़्यादा होगा वो उसकी तरफ खींच लेगा। जैसे मिसाल के तौर पर कितने हैं, ये सात है ना, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पाँच, छः, सात, सात हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि तीन कैपिटल लेटर्स आ गए तो तीन ने क्या किया कि हम इस तरफ रखें, तीन स्मॉल लेटर आ गए, तीन ने कोशिश किया कि हम इस तरफ रखें, मगर जाहिर है दोनों वो इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं डार्क की तरफ, स्मॉल वाले इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मिड में रिजल्ट आ जाएगा, लाइट रेड की तरफ कुछ रिजल्ट आ जाएगा। तो ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, इट वॉज़ फाउंड दैट, थोड़ा सा मैं मिटा दूँ ये, अच्छा, इट वॉज़ फाउंड दैट ग्रेन इज़ कंट्रोल्ड बाय थ्री डिफरेंट जीन्स, जो कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, एट थ्री डिफरेंट लोका, ईच इंडिविजुअल वुड कंटेन सिक्स एलील। जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ कि ए बी सी हो सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड पिगमेंट, और स्मॉल ए बी सी फॉर प्रोडक्शन ऑफ डज नॉट प्रोड्यूस एनी पिगमेंट, या वाइट कलर को प्रमोट कर लें, ये एक ही बात है। उसके बाद सारे अगर कैपिटल हों तो रेड आएगा, और सारे डार्क रेड, सारे स्मॉल हों तो क्या होगा, वाइट होगा इसका कलर, जैसे यहाँ इन्होंने शो किया हुआ इस वाले चार्ट में। ठीक है, अच्छा, आगे क्या है कि भाई सिक्स अलील कोड फॉर रेड पिगमेंट, ये सारे कैपिटल हैं तो ये क्या कोड करेंगे, रेड पिगमेंट को, अगर सारे स्मॉल हो जाएं तो वो क्या कोड करेंगे, वाइट पिगमेंट को, वाइट कलर को प्रमोट करेंगे। व्हेन अ ग्रेन हैज़ वन अलील फॉर रेड पिगमेंट, अगर एक अलील हो रेड पिगमेंट के लिए, जैसे हम यहाँ देखें ये सिर्फ एक कैपिटल लेटर है, कैपिटल ए, बाकी सारे स्मॉल है, यहाँ पर एक कैपिटल बी है, बाकी सारे स्मॉल है, यहाँ एक कैपिटल सी है, सारे स्मॉल है, तो कलर क्या होगा, लाइट पिंक होगा। ऊपर हम चार्ट में देख लेते हैं लाइट पिंक कैसा था, आप यहाँ पर देखें इसमें ये रहा लाइट पिंक, सिर्फ एक अलील आया छः में से तो लाइट पिंक आया, जब दो आ जाएंगे तो पिंक हो जाएगा, तीन हो जाएंगे लाइट रेड हो जाएगा, चार हो जाएंगे रेड हो जाएगा, पांच हो जाएंगे मॉडरेटली डार्क रेड, और छः के छः हो जाएंगे तो डार्क रेड। ठीक है, यही बात उन्होंने वहाँ पर नीचे भी मेंशन की है, हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर दो अलील्स हो जाएँ, दो कैपिटल लेटर्स हो जाएँ तो विल बी पिंक हो जाएगा, अगर तीन हो जाएँ तो क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, अगर चार हो जाएँ तो, अच्छा, अगर तीन हो जाएँ तो रेड कलर हो जाएगा, ठीक है, लाइट रेड, और अगर चार हो जाएं तो हो जाएगा हमारे पास रेड हो जाएगा, और अगर पांच हो जाएं तो क्या होगा, मॉडरेटली डार्क रेड हो जाएगा, अगर छः के छः हो जाएं तो वो डार्क रेड हो जाएगा। तो ये एलील्स के ऊपर है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर।